हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइस। हमने फर्स्ट लेसन के अंदर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, ठीक है। सेकंड लेक्चर हमने किसका पढ़ा था, जो नोमेनक्लेचर था, क्लासिफिकेशन था, उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम थर्ड लेक्चर हमारा पढ़ेंगे, जो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। इस लेसन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया था, तो कुछ पॉपुलर थे, कुछ अनपॉपुलर थे। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया और जो बाकी बचे थे उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो जो फेमस थे उनमें फर्स्ट था एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत ही अलग तरीके से क्लासिफाई किया। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था थ्री कैटेगरीज के अंदर, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। इन तीन कैटेगरीज के अंदर उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था और एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था टू कैटेगरीज के अंदर। और वो कौन कौन सी कैटेगरी थी, ऑर्गेनिजम्स विद रेड ब्लड, रेड ब्लड एंड ऑर्गेनिजम्स विदाउट रेड ब्लड। ओके, तो जो एरिस्टोटल था, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया थ्री कैटेगरीज के अंदर। ट्रीज, जो सबसे लेंथ में सबसे बड़े होते हैं, फिर उनको आगे क्लासिफाई किया शर्ब्स, ट्रीज से छोटी होती है, हर्ब्स से बड़ी होती है। और हर्ब्स क्या होती है, जो हमेशा ग्रीन रहती हैं, ठीक है। इनका जो लेंथ होती है वो सबसे कम होती है। एनिमल्स को उन्होंने टू टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास रेड ब्लड है एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल ने। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए थे, पर यहाँ पे हम सिर्फ फेमस क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, ओके। सेकंड है लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनका पूरा नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। प्लांट्स को उन्होंने इंक्लूड किया, किसके अंदर, प्लांटिक किंगडम के अंदर। एंड एनिमल्स को उन्होंने इंक्लूड किया एनिमेलिया किंगडम के अंदर, ठीक है। तो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जहाँ पर उन्हें प्लांट्स को प्लांटी के अंदर डिवाइड किया एंड एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। जो लीनियस हैं उन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, ओके। इनको ऐसा क्यों कहा, क्योंकि क्लासिफिकेशन था जो एनिमल्स को और प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, तो वहाँ पर टू कैटेगरीज लेते हैं हम, जीनस एंड स्पीसीज। तो उनको किसने दिया था, लीनियस ने ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स को प्लांटी के अंदर डिवाइड किया एंड एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर डिवाइड किया। बट यहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स थी। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या थी, उन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं किया एंड मल्टीसेलुलर को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए,
वो नहीं बता पाए कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस क्या है। सेकंड डिफरेंस क्या था, सेकंड ड्रॉबैक क्या था, वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए। एंड थर्ड ड्रॉबैक क्या था, वो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, तो लीनियस की जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उनकी ये तीन ड्रॉबैक थी। फिर लीनियस के बाद अब ऐसा हमें क्लासिफिकेशन चाहिए था जिसको हम अप्रूव कर सके, जिसको हम एक्सेप्ट कर सके। तो वो क्लासिफिकेशन कौन सा था, आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन, जो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड आया जो किसने दिया, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया जिसको हमने कहा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया। वो फाइव किंगडम्स कौन कौन से थे, फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंगी, फोर्थ था प्लांटी एंड फिफ्थ था एनिमेलिया। ठीक है, आर एच विटेकर ने इन तीन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। किन तीन किंगडम के अंदर डिवाइड किया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो आदर्श विटेकर ने मेन क्राइटेरिया क्या लिया ये पांच किंगडम को डिवाइड करने के लिए, तो मेन क्राइटेरिया क्या क्या था, मेन क्राइटेरिया फॉर डिवीजन। तो यहाँ पर उन्होंने फाइव कैटेगरीज ली फॉर डिवीजन। इस क्लासिफिकेशन के लिए मेन क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो के अंदर डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं लाइक प्लांट्स, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। एंड हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, लाइक ह्यूमंस, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम कहते हैं और हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन्होंने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, सेल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिजम्स थे सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने दो के अंदर डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रो मीन्स होता है पुराना, कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस है वो ओल्ड टाइप का है, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एंड यूकैरियोट्स मीन्स यू मीन्स न्यू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। जिनके अंदर न्यू न्यूक्लियस हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उनको हम यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन दो के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, थर्ड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। की ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, जिनके पास एक सिंगल सेल हो और जिनके पास बहुत सारी सेल्स हो, जैसे मल्टीसेलुलर, एंड जिनके पास सिंगल सेल होगी उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर। ओके, तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। अब फिफ्थ आती है, ये कौन सी हो गई, थर्ड। फोर्थ आती है, फोर्थ आई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। एंड फिफ्थ वन कौन सी आती है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इसका मतलब क्या है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे मैच करके उन्होंने देखा और ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया थे एरिस्टोटल के, सॉरी आर एच पिटेकर के, ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम के अंदर क्लासिफाई करने के। अब इसके बाद हम एक डोमेन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम है ये, किसने दिया था, थ्री डोमेन सिस्टम ये दिया था कार्ल वुशिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा को टू डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। जो मोनेरा किंगडम था उसको टू के अंदर डिवाइड कर दिया। एक के अंदर तो उन्होंने ले लिया आर्ची बैक्टीरिया, एंड एक के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया ले लिया, और जो बचे हुए ऑर्गेनिजम्स थे, जो यूकैरियोट्स थे, उनको एक अलग डोमेन के अंदर डाल दिया। तो ये कितने डोमेन हो गए, एक ये और एक ये, तो थ्री डोमेन सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर डिवीज़न है वो कैसे हुआ, ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तीन के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज आर्ची, इसके अंदर क्या आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया। सेकंड है मोनेरा, सॉरी बैक्टीरिया। इसके अंदर आता है मोनेरा। एंड थर्ड है यूकैरियोट्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये थ्री डोमेन हो गए, आर्ची बैक्टीरिया यूकैरियोट्स। आर्ची के अंदर आए आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर आए मोनेरा, एंड यूकैरियोट्स के अंदर आए प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो ये थ्री डोमेन सिस्टम था, ये एक्स्ट्रा है। अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एक फ्लो चार्ट लेते हैं, वो फ्लो चार्ट देखते हैं जिसके अंदर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट कैसे है, वो फ्लो चार्ट कुछ ऐसे है। यहाँ पे हम लेते हैं मोनेरा किंगडम, ठीक है, ये किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से ही एनिमेलिया किंगडम डेवलप हुआ है, एंड फंगी किंगडम एंड प्लांटी किंगडम।
ठीक है। यहाँ पर ये तीनों जो हैं ये है मल्टी सेलुलर, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा है यूनिसेलुलर, एंड मोनेरा से ऊपर जितने भी हैं प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, वो सब हैं यूकैरियोट्स, एंड मोनेरा है प्रोकैरियोट। ठीक है, तो ये क्या है इवोल्यूशन हम देख रहे हैं कि मोनेरा से जब हम हायर किंगडम्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी हो जाते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा, तो वहाँ पर मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आए, जो यूकैरियोट्स थे बट यूनिसेलुलर थे। ठीक है, फंगी के अंदर क्या आए, जिनके पास काइटिन की सेल वॉल थी। प्लांटी के अंदर आए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ग्रीन प्लांट्स थे, उनको इंक्लूड किया गया। एनिमेलिया के अंदर जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, उनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इससे आगे हम जो मोनेरा किंगडम है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी नोट्स आपको चाहिए होंगे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो क्लासरूम में ऐड होके। ठीक है, थैंक यू।